हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की डेट में ये तीसरी वीडियो आपके सामने पेश हो रही है और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग। स्टॉक का नाम आपको पता चल गया, बट बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताई जाएगी, तो लास्ट तक जरूर बने रहे, देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक से वीडियो को, ताकि चीजें आपको समझ में आए और आपको पता चले कि ये पर्टिकुलर शेयर आपको कितने बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। दूसरी वीडियोस जो डेली बेसिस पे बनाई जा रही है, आज के दिन में भी बनाई गई है, दो वीडियो जाके देखिए, सीखिए, सीखेंगे, लर्न करेंगे, खुद की स्टडी करेंगे, तो अच्छा खासा पैसा मार्केट में लॉन्ग टर्म में बनेगा। एज वेल एज हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और दूसरी वीडियोस को जाकर देखिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करिए, सपोर्ट इन द सेंस लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जिस एंटनी वेस्ट से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, तो इस कंपनी से रिलेटेड कुछ चीजें अगर हम जान लेते हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा। तो अगर हम बात करें कंपनी की सर्विसेज, तो कंपनी देखिए वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में कंपनी काम करती है। तो मतलब घर घर में जाके और वहाँ पर वेस्ट को कलेक्ट करती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर मैकेनिज्म एंड नॉन मैकेनिज्म स्वीपिंग्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट, मतलब जो कूड़ा करकट आपका घर से उठाती है, उसे प्रोसेस और ट्रीटमेंट करने में कंपनी काम करती है। वेस्ट टू एनर्जी, तो उसी वेस्ट से एनर्जी भी क्रिएट करने में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर बिजनेस काम करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा बात करें तो कंपनी का देखिए पास्ट में अगर हम बात करें, तो पास्ट में कंपनी अच्छे खासे जैसे गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पंजाब, तो यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पे ये काम करती हुई नजर आती आई है। इसके अलावा अभी की बात करें तो अभी इनके जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुंबई के महाराष्ट्र के काफी एरिया में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यूपी उत्तर प्रदेश में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि थाने, यहाँ पर थाने में काम कर रही है। इसके अलावा ग्रेटर मुंबई में और मुंबई बोरीवली दहिसर में, बैंगलोर में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, नवी मुंबई में, दिल्ली में, दिल्ली में, नोएडा में, एज वेल एज उत्तर प्रदेश जेपी इंटरनेशनल, उल्हासनगर और नोएडा, एज वेल एज कांजूरमार्ग, ये सारे के सारे जगह पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो इनकी इनकी साइट्स पे आप जाइए तो आपको पता चलेगी। तो देखिए, आपने स्वच्छ भारत का भी सुना है मुहिम, और भारत को क्लीन करना, अगर हम बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन मुक्त होना चाहिए, तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। दूसरे लोग विदेश से आते हैं, देखते हैं भारत को, तो हमारे ऊपर हमें शेम हम महसूस होती है, जस्ट बिकॉज हम एक प्रॉपर वे से यहाँ पर नहीं चलते। आप विदेशों में जाएंगे तो एक अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें करी जाती है, गलियों को साफ रखा जाता है, घरों को साफ, घर तो हर कोई साफ रखता है, बट गलियों को साफ रखा जाता है। गली से आपका पूरी एक जो जहाँ पर भी आप रहते हैं पूरी स्ट्रीट साफ रहेगी, एज वेल एज यहाँ पर गाँव भी साफ रहेंगे, शहर भी साफ रहेंगे। और जब ये सब चीज सफाई रहेगी तो यहाँ पर हाइजीन भी मेंटेन रहेगी, एज वेल एज बीमारियां दूर रहेगी। और यहाँ पर अगर बात करें और अच्छा खासा एक देखने में भी अच्छा खासा लगता है, तो इस चीज को अगर बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। वन एंड ओनली यहाँ पर कंपनी है जो इंडिया में इस तरीके का काम, मतलब काम इन द सेंस यहाँ पर स्टॉक मार्केट में काम करती हुई दिखाई देती है। और जैसे जैसे यहाँ पर ग्रोथ की बात की जा रही है, तो ग्रोथ केवल इसी में नहीं आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार हो रहा है, एज वेल एज यहाँ पर जो सफाई से रिलेटेड काम हो रहे हैं ना, वहां पर भी एक कंपनी आगे अपना रोल मॉडल पेश करती हुई नजर आएगी। तो इसका पर्टिकुलर कंपनी में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इस पर्टिकुलर शेयर पे यहाँ पर बुलिश है, याद रखिएगा। बड़े बड़े, आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो भी यहाँ पर एक बड़े ग्रुप का है, बड़ा यहाँ पर फंड है, वो भी इस पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर अच्छा खासा है, यहाँ पर इसमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप 5 प्लेयर्स में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है और बेहतरीन इनका अगर बात करें 20 साल का यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल 927 करोड़ रुपए का यहाँ पर कंपनी यहाँ पर नजर आती है। तो ऐसी ही छोटी छोटी कंपनी
ओके, जब हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से 5 रुपए के शेयर यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाने पर 1 करोड़ बना देते हैं। तो ऐसी ही कंपनी धीरे धीरे चलती है, और चलने के बाद यहाँ पर अच्छे खासे यही मिड कैप बनेगी, फिर लार्ज कैप बनेगी, और अच्छा खासा पैसा आपके आपके अकाउंट में दिखाई देगा जब ये पर्टिकुलर शेयर को आप यहाँ पर लेते हुए दिखाई देंगे। आरओसी आरओई काफी बेहतरीन है 21 और 15 के। पी की बात करें, 15 का पी है, 37% का यहाँ पर डेट भी यहाँ पर नजर आता है, और 493 से यहाँ पर करेक्ट होके लगभग 328 रुपये पे ये शेयर यहाँ पर चल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें, इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, मतलब एक पर्टिकुलर चीज की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो भी 390 रुपये यहाँ दे रखी है, उससे भी यहाँ पर नीचे चल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा खासा शेयर यहाँ पर लिस्ट हुआ, इसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट, एक कंसोलिडेशन, फिर एक अच्छी खासी गिरावट, तो ये शेयर की तरफ आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल की, तो यहाँ पर देखिए कंपनी एक कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है, और यहाँ पर अभी देखेंगे सेप्टेम्बर क्वार्टर में तो हाईएस्ट एवर सेल्स होती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर आया है, और कंसिस्टेंट बेस पे यहाँ पर कंपनी परफॉर्म कर रही है। ईयरली बेसिस पे भी बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से ईयरली बेसिस पे 2016 में यहाँ 220 करोड़ की सेल्स थी, फिर 244, 276, 284, 451, 465, और पिछले 12 महीने में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 557 करोड़ रुपए की सेल्स होती हुई दिखाई दी है। तो कंपनी कंसिस्टेंट बेस पे परफॉर्मेंस कर रही है, और प्रॉफिट 17 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा कभी कम, कंपनी कंसिस्टेंट बेस पे प्रॉफिट, कंसिस्टेंट बेस पे यहाँ पर ईयरली बेसिस पे एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। रिजर्व जहाँ कभी घाटे में हुआ करते थे, यहाँ पर 368 करोड़ की कंपनी के अच्छे खासे रिजर्व्स बढ़ गए हैं। बोराइंग जहाँ पर अच्छी खासी हुआ करती थी लगभग 200 करोड़ की, वो यहाँ पर कम होकर 140 करोड़ ही रह गई है। वर्किंग प्रोग्रेस में कोई पैसा नहीं, बट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। कैश की बात करें तो कंपनी का 124 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है, और जो भी कोई काम करते हैं वहां से इनको पैसा मिलते ही है। आरओसी की बात करें, आरओसी अच्छा खासा है। प्रमोटर्स के पास एज इट इज यहाँ पर होल्डिंग बनी हुई है 46.23, मतलब प्रमोटर्स यहाँ पर अपने शेयर नहीं बेचना चाहते। एफआईएस की बात करें, एफआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, ओके लगभग 28% के आसपास की होल्डिंग है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ओके यहाँ पर बीच में गायब कर रखी है बहुत सारी चीजें, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं गिरी होगी। तो यहाँ पर शेयर की बात करें 10% के आसपास, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास की होल्डिंग दिखा रहा है, बट 28 ही मानिए इसे। डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक पे अच्छे खासी होल्डिंग यहाँ पर दिखाई देती है, 18% की होल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 18 ही होगा या 36 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये होल्डिंग यहाँ पर कम करती हुई दिखाई दे रही है। कोई नहीं, यहाँ पर इसे दिखाई देते हैं, तो अच्छी खासी होल्डिंग हर एक के पास में यहाँ पर दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, देखिए शेयर यहाँ पर आता हुआ यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज में ये शेयर चल रहा है। अगर बात करें फरवरी से लेके अभी तक एक ही फेज में यहाँ पर ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अच्छे खासे ये अगर हम देखें यहाँ से नीचे से उठता हुआ यहाँ से पर भी एक कंसोलिडेशन किया और चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी। इससे पहले भी यहाँ पर वीडियो जब ये नीचे जा रहा था तब भी यहाँ पर बनाई थी, आपको बताया था कि ये शेयर किस तरीके से। तो अगर हम बात करें तो देखिए 2 दिन में जो वैल्यू वॉल्यूम आना शुरू हुआ है ना, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम आए हैं, और यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर शेयर को देखेंगे तो एक रेंज बाउंड में यहाँ पर चल रहा है। अगर ये आज की डेट में जो इसने 337 रुपीज का हाई बनाया था, इसे यहाँ से जो क्रॉस करेगा तो याद रखिए एक रैली बनती हुई दिखाई देगी इसमें, और फिर वो 2398 रुपीज तक शायद यहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी, उसके बाद इधर तक जाती हुई दिखाई देगी। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर शेयर की कि कितने परसेंट के रिटर्न मिल सकते हैं, तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पर यही आता है जो कि यहाँ पर दिखाई देता है इसका ऑल टाइम हाई, क्योंकि काफी लोगों ने यहाँ पर ले रखा है, वेट कर रहे हैं वो भी कि किस तरह कब ये शेयर यहाँ पर ऊपर जाएगा और अच्छे खासे रिटर्न देगा। तो लगभग 47% के रिटर्न तो आपके हाथों में रखे हुए हैं। इसके अलावा चार्ट पैटर्न की और भी बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वो हम देख लेते हैं, और उसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको टारगेट नजर आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसने एक कप बनाया, कप बनाने के बाद इसने एक हैंडल बनाया, चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी, वो फेल होती हुई दिखाई दी, फिर उसके बाद तो एक कप विद हैंडल पैटर्न टाइप में ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से अगर जो टारगेट नजर आते हैं वो टारगेट भी छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए 55% का यहाँ पर टारगेट, अगर इसे हम उठा के रख देते हैं यहाँ पर, तो ये ही लगभग थोड़ा सा ही नीचे 508 रुपए के आसपास का ये टारगेट दिखाई देता है अगर यहाँ से हम देख लेते हैं।
तो कितने परसेंट का? लगभग 54 से 55% का टारगेट यहाँ नजर आता है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, बट चीजें यहाँ पर से अच्छी नजर आती है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर बुलिश है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आज एक इंटरव्यू में एक बड़े लोग आए थे तो उन्होंने बताया भी था इस शेयर से। मैं ऑलरेडी इसमें काफी टाइम पहले से ही इन्वेस्टेड हूँ, तो यहाँ पर बस अब अच्छे खासे रिटर्न जो हमारे साल भर का होता है कि 40% का, 50% का, 60% तक के रिटर्न हमें मिल जाए, छोटे छोटे या क्वार्टरली बेसिस या एनुअली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस पे हमें 20% के रिटर्न मिल जाए, अच्छे खासे हमें रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं। तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं, तो बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके एज वेल एज रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहते हो तब भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।